हाय एवरीवन, वेलकम टू मैक्रैक। दिस इज राहुल सर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। क्या आपको प्रॉब्लम्स आते हैं कि सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि सर कितने टाइप्स के फ्लो हैं फ्लूइड के, मुझे तो वो भी नहीं पता। और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको कुछ फ्लोज तो पता होंगे और कुछ नहीं पता होंगे। तो आज के लेक्चर में पूरी के पूरे फ्लूइड फ्लो के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला होता है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, उसके बाद हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लोज, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लोज, वन टू एंड थ्री डायमेंशनल फ्लोज। तो ये जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसको वन बाय वन करके आज पूरा देखेंगे। अगर आपको किसी भी एक भी डेफिनेशन में डिफिकल्टी आती है या आपने अभी तक लर्न तो किया हुआ है बट समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा था उसमें, तो मैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर करूँगा कि लैमिनार फ्लो क्या होता है, उसमें रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रोटेशनल फ्लो क्या होते हैं। स्टडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो में तो मैं कहूँगा स्टडी अनस्टडी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में, ये जो स्टार्टिंग के ये जो दो है ना, इसमें मैंने देखा हुआ है कि स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। शायद आप भी कन्फ्यूज रहेंगे बट ये लेक्चर होने के बाद, ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टडी फ्लो की। स्टडी फ्लो जो होता है, डेफिनेटली अगर वाटर फ्लो कर रहा है सर तो स्टडी फ्लो मेन एक फंक्शन आ जाता है उसमें, है ना। सो अब मैं आपसे पहले तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको डेफिनेशन दिखता है कि अ स्टडी फ्लो इज वन इन विच ऑल द कंडीशन एट एनी पॉइंट इन अ स्ट्रीम रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन। देख लो डेफिनेशन भी देख लो, क्योंकि डेफिनेशन ही तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखना होता है। थोड़े से समय में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली इसकी मीनिंग क्या होती है। सेकेंड, आप बोल सकते हो कि अ स्टीम फ्लो इज वन on which the quantities of liquid flowing per second through any section is constant। ठीक है, अगर आपने पहला डेफिनेशन लिखा वो भी करेक्ट माना जाएगा। आपने किसी बुक को रीड किया और आपने सेकेंड डेफिनेशन लिखा वो भी करेक्ट माना जाएगा। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मुझे सबसे ज़्यादा फेमस लगता है और हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को ये लिखने के लिए कि इन दिस फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी, ओके, इन दिस फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी does not changes at a point, okay, does not change it change at a point with time। ठीक है, so इसकी exact meaning क्या होगी? देखो ये जो तीनों के तीनों definition है इनका सबका एक ही meaning है, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। मान लेते कि जो ये flow हो रहा है, मैं एक सिर्फ section consider करता हूँ, एक section मान लेते कि सिर्फ ये section अपन consider करते हैं, this section, okay। अगर सिर्फ इस section को मैं consider करूँ तो एवरी सेकेंड सिर्फ उस सेक्शन पर वेलोसिटी जो फ्लो हो रही है उस सेक्शन पे, बहुत ध्यान से, उस सेक्शन पे वेलोसिटी, उसी सेक्शन पे प्रेशर और उसी सेक्शन पे डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक घंटे बाद आपने आके उसको चेक किया, अगर वही फ्लो है, वही फ्लो है, तो आप बोलोगे कि सर इट्स अ स्टडी फ्लो। ठीक है, सो इट मीन्स कि वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी डज नॉट चेंजेस एट दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आप ये भी मतलब ये जो सारे के सारे डेफिनेशन है उसी तरफ आपको लेकर जाते हैं। अब अगला देख लेते हैं अनस्टडी फ्लो क्या होता है। अनस्टडी फ्लो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब ये वाटर बाहर आ रहा है, मान लेते अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, ठीक है, मान लेते अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, सो इस क्रॉस सेक्शन पे आप देखोगे कि वाटर का जो फ्लो हो रहा है ना कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये दर्शाता है अनस्टडी फ्लो को। ठीक है, ये बताता है आपको अनस्टडी फ्लो। अगर आपने सपोज करते हैं, अगर आपने ये सेक्शन ले लिया, अगर ये भी सेक्शन आपने लिया तो यहाँ पे भी ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ये अनस्टडी फ्लो हो गया। सो पुराना ही डेफिनेशन, उसमें थोड़े से सिर्फ चेंजेस करने हैं कि अनस्टडी फ्लो इज वन इन विच ऑल कंडीशंस, ठीक है, ऑल कंडीशंस, कौन कौन से कंडीशन थे, वेलोसिटी था, प्रेशर था, डेंसिटी था, हमने अभी देखा था, एट एनी पॉइंट इन अ स्ट्रीम डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ओके, इट डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यूसली ये वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अनस्टडी फ्लो। स्टडी एंड अनस्टडी में डिफरेंस क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ ये डज नॉट का, यानी कि एक डेफिनेशन अगर आपको आता है तो दूसरे में सिर्फ डज नॉट लिख के इसको लिख देना है, याद रहेगा। अनस्टडी फ्लो को वापस, जो सेकेंड डेफिनेशन कुछ लोगों को बहुत पसंद होगा कि किसी एक सेक्शन पर, है ना, बहुत से लोग कहेंगे कि अनस्टडी फ्लो इज द वन इन विच द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी सेक्शन इज
नॉट कॉन्स्टेंट, ये मुझे ज्यादा पसंद आता है सर, ये डेफिनेशन. सो आपको इसको इस तरीके से लिखना है. और थर्ड डेफिनेशन इसका वही हो जाएगा कि वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी चेंजेस एट अ पॉइंट विद टाइम. ओके, चेंजेस एट अ पॉइंट विद टाइम. अब मैं आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बता देता हूँ. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसके इस तरीके से हो जाएंगे, डो वी बाय डो टी इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, इट मीन्स कि ये जो चेंज हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है, चेंज वी मीन्स रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी. प्रेशर की अगर बात करेंगे तो मैं इसको पी लिख दूंगा, और नीचे अगर मैं टी लिख रहा हूँ यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा. और यहाँ पे भी ये थर्ड वन में डेंसिटी की बात हो रही है, तो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे. डो रो बाय डो टी इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, स्टडी फ्लो के लिए सिर्फ आपको क्या कर देना है, अगर हम स्टडी फ्लो की बात करेंगे सो उसमें सिर्फ आपको यही करना है कि स्टडी फ्लो में इसको इस तरीके से मैथमेटिकली आपको लिख देना है, इक्वल टू जीरो. ठीक है, इट इज इक्वल टू जीरो, मतलब उसमें चेंज नहीं होता है. सो इट मीन्स इक्वल टू जीरो, और इसमें चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, इट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू जीरो इन अन स्टडी फ्लो. आई होप यू अंडरस्टूड, इट इज वेरी इजी, ज्यादा कुछ नहीं है. इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ तो ये जो कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन है स्टडी फ्लो के लिए. ठीक है, किसके लिए है, स्टडी फ्लो. और ऊपर की ये जो कंडीशन है, ये किसके लिए है, ये भैया अनस्टडी फ्लो के लिए है. आर यू गेटिंग. थर्ड पॉइंट में मैं इसको ये दिखा देता हूँ, सॉरी, लैम्बडा टी इज इक्वल टू जीरो, दैट्स ऑल, सिर्फ इतना है. आगे मूव करते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म. अब देखो, स्टडी अनस्टडी तो ठीक था, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा. अब यूनिफॉर्म पढ़ने के बाद है ना, डिफिकल्टी अराइज हो जाती है. अब यूनिफॉर्म फ्लो में एग्जैक्टली होता क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले. कि यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी, अब यहाँ पे भी देखना वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे ये वर्ड इसको स्पेशली डिफाइन करता है, डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस. और आप इसको बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. अच्छा, इसकी मीनिंग क्या होती है एग्जैक्टली, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, अगर मैं इस लेंथ को कंसीडर करूँ, ठीक है, दिस मच ऑफ लेंथ, ठीक है, अगर इतने लेंथ को मैं कंसीडर करूँ, तो आपका जो फ्लो होगा, वेलोसिटी होगा, ये पूरे सेक्शन, ये पूरे के पूरे लेंथ पर कॉन्स्टेंट है. बट सडनली आप अगर इसे देखोगे तो इस सेक्शन पर, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन पे इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. समझ में आ रहा है, ये पूरे सेक्शन पे चेंज हो रहा है. इट मींस कि मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मेरा जो फ्लो है वो तो यूनिफॉर्म है. ठीक है, समझ के लेना है इसको, डेफिनेशन रटने से कुछ होने वाला नहीं है, यूनिफॉर्म है. बट ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन, ये आप बोलोगे कि ये सर नॉन यूनिफॉर्म है. ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें आपको एक सर्टन लेंथ तक देखना है. ठीक है, सेक्शन को नहीं देखना है, सर्टन लेंथ तक. तो ये रहा मेरा सर्टन लेंथ, वो सर्टन लेंथ जिसको मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. बट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत ध्यान से देखना, अगर बेटा मैं यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये फ्लो स्टडी है. ठीक है, यहाँ इस सेक्शन पे भी स्टडी है, यहाँ पे भी अगर मैं लूँ तो ये स्टडी है. समझ में आ रहा है, तो फ्लो वहाँ पे स्टडी है बट नॉन यूनिफॉर्म है. सो ये था डिफरेंस, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. जैसे कि यहाँ पे मैंने वापस आपको दिखाने की कोशिश की है, डिफरेंट डायमीटर्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट डायमीटर्स है. तो आप जैसे मान लेते हैं कि ये एक सेक्शन मैंने कंसिडर किया, तो मैं अगर मेरा फ्लो कंटिन्यूसली चल ही रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा फ्लो स्टडी है. यहाँ पे एक सेक्शन लूंगा तो भी मैं बोलूँगा फ्लो स्टडी है, यहाँ पे भी मैं लूंगा तो मैं बोलूँगा फ्लो स्टडी है. लेकिन अगर मैं ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कंसिडर करूँ, ठीक है, ये पूरा लेंथ अगर मैं कंसिडर करूँ, तो मैं बोलूंगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है. बिकॉज यहाँ तक तो वेलोसिटी यू कैन से कि सेम होने वाली है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी सेम होगी. बट सडनली यहाँ पे ड्यू टू इंक्रीज इन द डायमीटर, ठीक है, ये इंक्रीज इन द डायमीटर के वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. समझ में आ रहा है, सो दिस इज यूनिफॉर्म फ्लो. अब नेक्स्ट हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. तो मैंने एग्जैक्टली आपको पिछले ही स्लाइड में बता दिया कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होगा. तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी, ठीक है, इन विच द वेलोसिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम चेंज विथ रिस्पेक्ट
टू स्पेस, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, या फिर आप बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी, अगर अच्छे से समझ के लोगे तो इट्स वेरी इजी, अदरवाइज डिफिकल्टी होगी। तो अगेन वही पाइप है भैया, अब आप इसमें मैंने पिछले स्लाइड में जैसे आपको कह दिया वही पूरा यहाँ पे लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सो ये हमने अब तक कंप्लीट कर दिया, स्टडी अनस्टडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और ये जो स्लाइड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये स्लाइड्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगी, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं तो आपको कहूंगा कि इसको स्टार मार्क करके रख कर ले लो, बिकॉज दिस इज वेरी आईएमपी कि लैमिनार फ्लो। तो लैमिनार फ्लो एग्जैक्टली होता है क्या है? लैमिनार फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है, यू कैन सी कि ये कितना अच्छा लग रहा है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये जो आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितने सिस्टमेटिकली आ रहा है। तो लैमिनार फ्लो मीन्स होता है कि एकदम वेल डिफाइंड पाथ पे आपके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वेल डिफाइंड पाथ को फॉलो करके आते हैं, और वो वाटर भी एकदम क्रिस्टल जैसा लगता है। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज डिफाइंड एज द फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स अलोंग अ वेल डिफाइंड पाथ। ओके, जस्ट अंडरलाइन दिस, वेल डिफाइंड पाथ, ये इसके इसका कीवर्ड है। ये अगर आप डेफिनेशंस में नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स लूज होंगे। वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीम लाइन। अच्छा, स्ट्रीम लाइन क्या होती है? मान लेते हैं कि ये एक पाइप है और इसके अंदर से वाटर कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। ओके, वाटर जब फ्लो करेगा तो मैं वाटर्स को डिवाइड कर सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मेरे वाटर्स को मैं गाइस डिवाइड कर सकता हूँ बेटा नंबर ऑफ लाइन्स में, है ना, नंबर ऑफ लाइन्स में, कि ऐसे बहुत सारी लाइन्स यहाँ पे फ्लो कर रही हैं। तो ये जो एक इमेजिनरी आपने जो लाइन ड्रॉ कर ली और आपने मान लिया कि ये मेरे वाटर फ्लो की लाइन्स है, इन्हीं लाइन्स को बोला जाता है स्ट्रीम लाइन। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो ये आपके लिए, इन्हीं लाइन्स को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। ओके, सो वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीम लाइन, एंड ऑल द स्ट्रीम लाइन आर स्ट्रेट एंड पैरेलल होते हैं इन लैमिनार फ्लो। ये एक मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो डेफिनेटली इसको आप क्लिक कीजिएगा, एक वीडियो आएगा, बहुत थोड़ा सा लंबा वीडियो है, बट एक बार उसको आप गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि लैमिनार फ्लो के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मतलब कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, इसके बेस्ट, मतलब ये बेस्ट वीडियो है जो आपको लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो में डिफरेंसेस दे देगा। और लैमिनार फ्लो की आज के बाद जब भी बात होगी, स्पेशली जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी, बेटा आपको है ना रेनॉल्ड्स नंबर, RE स्टैंड फॉर द रेनॉल्ड्स नंबर, आपको रेनॉल्ड्स नंबर जानना बहुत ज़रूरी है कि लैमिनार फ्लो का रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए फॉर्मूला है रो वी एल अपॉन दिस म्यू। ओके, वेयर रो रिप्रेजेंट द डेंसिटी, दिस रिप्रेजेंट द डेंसिटी, वी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वाटर फ्लो कर रहा है, एल जिस लेंथ को आप कंसीडर कर रहे हो फ्लो में। सपोज करते हैं कि अगर हमने सिर्फ इतना लेंथ कंसीडर किया तो वो लेंथ, उस लेंथ में क्या एवरेज वेलोसिटी है, वो वी, और ये जो अंदर फ्लो हो रहा है ये जो फ्लूइड, उसका डेंसिटी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और नीचे है आपको, आप देख सकते हो कि म्यू। ओके, म्यू क्या होता है? ये होता है डायनामिक विस्कोसिटी, ये होता है डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। सो जब ये सारे वैल्यूज रख के आप कैलकुलेशंस करोगे, तो अगर आपके कैलकुलेशन में आपका रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 आता है, इफ इट कम्स लेस देन 2000, तो उस फ्लो को कहा जाता है लैमिनार फ्लो। ये साइंस के स्टूडेंट को आप बोल सकते हो, साइंस के स्टूडेंट या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो भाई लैमिनार फ्लो एक मस्त स्मूथ फ्लो होता है, बट एक इंजीनियर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसका लैमिनार नंबर 2000 से लेस होना चाहिए। ओके, 2000 से लेस होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ टर्बुलेंट फ्लो पे। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जब फ्लो एकदम जिगजैग हो, मतलब वेल डिफाइंड पाथ ना हो, जैसे कि यहाँ सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसे आप कहोगे कि इट रिप्रेजेंट अ टर्बुलेंट फ्लो। ये बाहर भी हो सकता है या पाइप के अंदर भी हो सकता है। सो टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो में मैं आपको एक बहुत ही मस्त फैक्ट बताने वाला हूँ कि हमारे जो फायर ब्रिगेड के बंदे होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी इमारतों को बुझाने के लिए जब वो वाटर यूज़ करते हैं, वो तो ज़मीन पर रहते हैं, है ना, और काफ़ी ऊंची इमारतों को जब उनको आग फायर को बुझाना होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले अगर उनकी कैपेसिटी सिर्फ 5th फ्लोर तक जाने की थी,
अगर पहले सिर्फ फिफ्थ फ्लोर तक एक मोटर का इस्तेमाल करके वो वाटर को सेंड कर सकते थे, तो आज उसी मोटर से आज वो टेंथ फ्लोर पे भी उस वाटर को सेंड कर सकते हैं। आपको पता है ये क्यों पॉसिबल हो सका? ये पॉसिबल हो सका बिकॉज ऑफ द लैमिनार फ्लो। पहले जो हम इसे सेंड किया करते थे फिफ्थ फ्लोर तक ही जाता था, तो फिफ्थ फ्लोर तक प्रॉब्लम ये हो जाती थी ना कि टर्बुलेंट फ्लो में यू कैन सी कि यार ये बहुत स्पेसिफिकली मतलब एक स्पेशल मैनर्स में नहीं है चीज़ें, है ना, यू कैन सी कि ये स्पेशल मैनर्स में नहीं है, मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं, वो अपना एनर्जी लूज कर रहे हैं। बट लैमिनार फ्लो में क्या एकदम वेल डिफाइंड पाथ में जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने लैमिनार फ्लो के बारे में लर्न किया, जैसे हमने लैमिनार फ्लो को इन्वेंट किया, उसके बाद टेंथ फ्लोर तक उसी इंजन की हेल्प से मैं वाटर को फ्लो कर सकता हूँ जमीन से, ठीक है। सो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है गाइस? टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है, आप बोल सकते हो कि इन दिस टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ रैंडम फैशन और रैंडम मोशन और इन अ जिगजैग वे, ठीक है। तो जब जिगजैग वे में जाएगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि हाई लॉसेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लॉसेस होता है। इट मीन्स कि अगर आपके घर पे जो वाटर आता है जिन पाइप्स के थ्रू, अगर सिविल इंजीनियर या जो वहाँ पे इंजीनियर है, अगर उन्होंने स्ट्रीम लाइन करके और आप बोल सकते लैमिनार फ्लो अगर भेजा उन्होंने पाइप में तो कम लॉसेस होंगे। बट अगर उन्होंने टर्बुलेंट फ्लो भेज दिया, सिर्फ पानी भेजना उनको अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, तो भैया उनके लिए बहुत गड़बड़ होने वाली है, बहुत उनकी मेहनत बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो जितना ज़्यादा दूर आपको वाटर फ्लो कराना है और अगर कम से कम लॉस करना है, तो एक बात का ध्यान रखिए कि फ्लो लैमिनार होना चाहिए। अच्छा, रेनॉल्ड्स नंबर टर्बुलेंट फ्लो के लिए कितना होना चाहिए? तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर 4000 से ज़्यादा है गाइस, अगर 4000 से ज़्यादा है अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर, तो वो फ्लो टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, ओके। तो आप पूछोगे सर 2000 से 4000 के बीच में क्या होता है? उसे बोला जाता है ट्रांजिएंट फ्लो, है ना, मतलब वो लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है और 4000 के बाद वो फुल्ली टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द टर्बुलेंट फ्लो। अब आगे मूव करते हैं, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल, ये दो फ्लो देखेंगे। तो कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ रीडिंग चेंज हो रही है। कंप्रेसिबल यार कंप्रेस होना, तो अगर आपने किसी फ्लो को, ठीक है, किसी फ्लूइड को पाइप से थ्रू सेंड किया, ठीक है, पाइप के थ्रू आपने उसे सेंड किया, तो अगर उस बंदे का नेचर ऐसा है कि वो कंप्रेस हो जा रहा है, अंदर ही कंप्रेस हो जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। अगर कोई चीज़ कम, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सर मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा अगर मास सेम रहेगा, मान लेते हैं कि इतना वाटर है, ठीक है, मान लेते हैं इतना वाटर है इस मेरे हाथ के अंदर और मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने में इन दोनों क्वांटिटी मास और वॉल्यूम में से क्या कम हो जाएगा? डेफिनेटली उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना, मास तो उतना ही रहने वाला है। सो डेफिनेटली बेटा कंप्रेसिबल फ्लो में एक प्रॉब्लम होती है कि डेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो जाती है। डेंसिटी क्यों चेंज होती है? बिकॉज वॉल्यूम इज चेंजिंग, है ना, मास और वॉल्यूम में कोई भी एक क्वांटिटी चेंज हुई तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, है ना। और अगर आपका आपका जो फ्लूइड है अगर वो कंप्रेस हो रहा है यानी उसका वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी डेफिनेटली चेंज होगी। तो इसका जो डेफिनेशन है वो यही कहता है कि इन दिस फ्लो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस। डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड मीन्स है जीरो मार्क अगर आप एग्जाम्स में लिखने वाले हैं तो। इन दिस फ्लो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस पॉइंट टू पॉइंट, दिस इज नोन एज ए कंप्रेसिबल फ्लो। इन दिस डेंसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं होता रहता, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। सो अब बात कर लेते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो की। इनकम्प्रेसिबल फ्लो सीख तो गहरा हो गया आपकी, अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और आपका फ्लूइड इतना रिजिड है कि बंदा थोड़ा भी कंप्रेस होने को रेडी नहीं है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली है डेफिनेटली। सो इन दिस फ्लो आप बोल दोगे कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, अगर उसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो रही है सो उस फ्लो को अपन बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ जस्ट लाइक दिस वीडियो, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इससे भी नेक्स्ट क्वालिटी के वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूँगा। सो कुछ तो पे करना पड़ेगा, जस्ट एक लाइक, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोटेशनल फ्लो। यार इसको तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, रोटेशनल वर्ड इज़ देयर, ठीक है, रोटेशनल वर्ड है भैया। अब इसको क्या मैं कहूँ, रोटेशन, है ना, रोटेशन हो रहा है।
सो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि रोटेशन कंटिन्यूसली स्टार्ट हो चुका है। सो इसका जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन इसका कुछ इस तरीके से होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल होगा, आपका जो फ्लो होगा, जो उसके पार्टिकल्स होंगे, अगर उसके पार्टिकल फ्लो कर रहे, मतलब रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट्स एक्सिस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपने एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस पे वो बंदा रोटेट भी करे और मूव भी करे, तो उस फ्लो का अपन कहते हैं रोटेशनल फ्लो। तो इसका जो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होगा कि इन दिस फ्लूइड फ्लो पार्टिकल्स रोटेट्स अबाउट देयर ऑन एक्सिस देयर ओन एक्सिस वाइल मूविंग अलोंग द स्ट्रीम लाइन, ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता रहेगा और मूव भी करता रहेगा, सो दिस इज द रोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इररोटेशनल फ्लो की। इररोटेशनल फ्लो क्या हो जाएगा, सिंपल है, एक्सिस पे रोटेट कर रहा था, अब ये एक्सिस पे रोटेट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो इन दिस फ्लो फ्लूइड पार्टिकल्स डज नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डज नॉट रोटेट अबाउट देयर ऑन एक्सिस वाइल मूविंग अलोंग द स्ट्रीम लाइन। जब अपनी स्ट्रीम लाइन में वो फ्लो करेगा तो रोटेट नहीं होना चाहिए, अगर रोटेट होगा तो रोटेशनल में रखना है, नहीं होगा तो उसे इररोटेशनल, तो उसे कहा जाता है इररोटेशनल फ्लो। गाइज आई होप यू आर गेटिंग, यही थे थोड़े चिंदी बट इम्पॉर्टेंट फैक्ट और डेफिनेशंस। अब फाइनल चलते हैं वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल फ्लो पे। वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, तो 1D यार ये तो अपन ने सीखा ही हुआ है, वन डायमेंशनल फ्लो यानी कि जब भी आपका फ्लो सिर्फ एक डायमेंशन में फ्लो करे तो उसे कहते हैं वन डायमेंशनल फ्लो। सो ये जो टर्म्स है 1, 2, 3 ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, तो 1, 2 और 3 डायमेंशन में ये जो फ्लो होगा इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट। 1, 2, 3 जो आपको रिप्रेजेंट करें एक्चुअली वो आपके स्पेस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब योर फ्लो, ठीक है। आपके फ्लो को अगर मैंने एक सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब स्पेस यार, स्पेस मतलब एक डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, अगर मैंने सिर्फ लाइन कंसिडर की हुई है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि वन डायमेंशनल फ्लो है। अगर मैंने एक एरिया ले लिया हुआ है, एरिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा हूँ, ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो करो, तो आप बोलोगे कि टू डायमेंशनल। अगर मैं आगे भी फ्लो कर रहा हूँ, ऊपर भी फ्लो कर रहा हूँ और सामने भी फ्लो कर रहा हूँ, या फिर आगे फ्लो कर रहा हूँ आपके यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि थ्री डायमेंशनल हो गया, दैट्स ऑल। सो पहला डेफिनेशन देख लेते हैं, इन दिस फ्लो, मतलब वन डायमेंशनल फ्लो को देख लेते हैं। सो इन दिस फ्लो द वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम एंड वन रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट, है ना, ये टाइम का फंक्शन होगा और वन रेक्टेंगुलर स्पेस में ही एग्जिस्ट करेगा, दैट्स ऑल, दिस इज द वन डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, जस्ट यू कैन सी हियर कि आपका जो फ्लो है इस डायरेक्शन में भी है, है ना, जैसे कि ये ब्लू आप देख सकते हो और रेड को आप देख सकते हो कि रेड वाला बंदा इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा है ना, ये ऊपर भी फ्लो हो रहा है और ये इस, सो यहाँ पे टू डायमेंशनल अपने को डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। सो इन दिस यू कैन सी कि टाइम तो है भैया, टाइम तो है, बट इसके साथ साथ यू कैन सी कि टू रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट यहाँ पे इन्वॉल्व है, ओके, किसका इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, टू रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई आप बोल सकते हो, एंड द फाइनल वन इज द थ्री डायमेंशनल फ्लो। थ्री डायमेंशनल फ्लो में क्या होता है, थ्री डायमेंशनल फ्लो में यू कैन सी कि ये नीचे भी फ्लो कर रहा है, ये ऊपर भी फ्लो कर रहा है और ये टिल्ट है, ठीक है, ये 2D प्लेन है तो इस तरीके से दिख रहा है, एक्चुअली वो टिल्टेड है, तो टिल्ट है तो तीनों डायरेक्शन उसमें आ जा रहे हैं, ठीक है। सो इन थ्री डायमेंशनल में डेफिनेशन सेम रहेगा, इन दिस फ्लो द वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड थ्री रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, थ्री रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट, दैट्स ऑल। तो ये था पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ फ्लो, आई होप आपको पसंद आया होगा ये, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आपको कहूँगा कि जस्ट सब्सक्राइब दी चैनल, इसी तरीके के और भी मैकेनिकल सिविल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मैं कोशिश करूँगा कि सबको ब्रेक करूँ, अच्छी क्वालिटीज में वीडियो हमेशा लाता रहूँ, तो जस्ट एक सब्सक्राइब करना है, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा फ्रॉम योर साइड। और इस वीडियो के बारे में एक कमेंट तो ज़रूर कर देना, कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा या फिर कौन सी थिंग मिस हुई, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसे भी नोटिफाई कर देना, यार इंसान ही है, हो जाती है कभी कभी। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, सपोर्ट बनाए रखना और मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो में, डेफिनेटली किसी न किसी एक मस्त टॉपिक को ब्रेक करूंगा अगली बार भी। चलो बाय बाय।